नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रणबीर है और बी पी सी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ दिस आर नेक्स्ट वीडियो इन द देंशेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार सीरीज आज हम बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जानेंगे सो बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आपको ये बता दूँ कि बी पी एस सी प्लेटफॉर्म का ऐप अब जो है गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है बी पी एस सी प्लेटफॉर्म के नाम से ठीक है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 67 बीपीएससी के लिए एंड द टेस्ट इज बीन डिजाइन बाय द क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स बिहार एसआई SI टेस्ट मिल जाएगा आपको आ, फ्री क्विजेस मिल जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड गो एंड एनरोल योर फॉर द प्रोग्राम्स ठीक है अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ तो आज का टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इंट्रोडक्शन दे दू आपको बुद्धिज्म कामरज टू न्यू आती है वो हिंदुइज था कहीं ना कहीं तो उसके अलावा दो नई सभ्यता सभ्यता नहीं, uh, नहीं कहेंगे uh, धर्म दो धर्म छठी शताब्दी सदाप, uh, ईशा पूर्व में आए अस्तित्व में एक जैन धर्म दूसरा बुद्ध धर्म ठीक है अब बुद्ध धर्म के बारे में कुछ फैक्ल चीजें जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा ये तो हमको पता कि बुद्ध धर्म का की शुरुआत जो है गौ, गौतम बुद्ध ने की थी महात्मा बुद्ध ने की थी और उनका जन्म हुआ था पांच ईसा पूर्व में जगह का नाम था लुम्बिनी ये जो जगह है अभी प्रेजेंटली इट्स इन नेपाल ठीक है उनके फादर पिता का नाम था फादर्स नेम माँ का नाम महामाया और पत्नी का नाम नेम यशोधरा ने अभी एक फेमस स्टोरी है कि वो जब घर छोड़ करके गए थे तो आ, मतलब आ, पहले वो बाहर की दुनिया से उनके पिता ने उनको थोड़ा काट के रखा था क्योंकि उनके पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि या तो बहुत बड़े साधु महात्मा बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे तो उनके पिता को चिंता था कि कहीं ये साधु महात्मा ना बन जाए तो उन्होंने उनको बाहर ही संसारिक जीवन से थोड़ा सा दूर रखा था फिर वो गए अपने सारथी के साथ उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला एक बीमार व्यक्ति मिला एक मृत शरीर देखा उन्होंने तो उनके मन बहुत विचलित हुआ उसके बाद से उन्होंने बहुत सोचा तो फिर वो घर छोड़ करके चले गए एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन एंड दिस प्रोसेस दिस this uh, act of Lord Buddha leaving his home is known as Mahabinish Kramana. What is called Mahabinish Kramana. और उनको 528 BC में finally उनको uh, ज्ञान प्राप्त हुआ. That is called the uh, he attended the enlightenment. ठीक है कैसे? Him, he used to meditate. वो ध्यान लगाते थे people के नीचे उस जिसको कि अब हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं और वो कहा है बौद्ध गया में ठीक है ना गया जी में है ये।, ये जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ही वो बुद्ध कहलाने लगे या फिर उनको तथागत कहने लगा लोग भगवान अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जा, अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने अपना ज्ञान बांटा लोगों तक पहुंचाया अपनी बात को टेंट है जितना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस प्रोसेस और दिस एक्ट ऑफ बुद्धा गिविंग हिज फर्स्ट सेरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तना ठीक है इट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तना आगे बढ़ते हैं लास्ट सरवन उन्होंने वैशाली में दिया था बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं, उनका महापरिनिर्वाणा प्लेस इन कुशीनगर महापरिर्वाणा टुक प्लेस इन कुशीनगर मतलब महापरिनिर्वाणा से मतलब यहाँ पे यह है कि अब उनको निर्वाणा मिल गया वो मोक्ष की ओर बढ़ गए अपना ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित किया था वो लोगों तक पहुंचाया वो इस दुनिया में आज भी सॉरी आज भी रह गया और उनको मोक्ष मिल गया जो भी अभी हमने डिस्कस किया जो आपको इंग्लिश में दिख रहा था वो सारा कुछ मैंने यहाँ हिंदी में भी दे दिया तो हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से पढ़ सकते हैं इनको पॉइंट वाइज याद करने में इजी हो अच्छा बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसको संगठित करने में सबसे अहम भूमिका ये जो काउंसिल जो परिषद है उनका हुआ है तो हमको चार परिषद हुए हैं जिनको हमको जानना है और बहुत डिटेल में तो क्या क्या उनके बारे में जानना है? मैंने टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया है इन इंग्लिश और हिंदी में भी सारी चीजों को दे दिया है मैंने तो जो जानने वाली बातें हैं वो क्या है सबसे पहले तो पहला दूसरा तीसरा जो भी नंबर है वो मैंने दे दिया है उसके अलावा किस जगह पे हुआ उस जगह को कौन से ईयर में हुआ उस ईयर को उस वक्त के कंटेम्प्रेरी समकालीन शासक कौन थे कंटेम्प्रेरी रूलर मतलब कि जिनके सहयोग से द काउंसिल्स वे पेट्रोनाइज बाय द किंग उनका नाम जानना जरूरी है और की टेक अवेज मेजर आउटकम क्या उस काउंसिल में डिसाइड हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो पहले में uh, जो पहला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगीर एंड इट वॉज इन फोर एट्टी थ्री बी सी और राजा का नाम था अजात शत्रु तो अजात शत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे प्री मौरियन काल में जो प्री मोरियन पीरियड है उसमें अजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके पिता ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे पढ़ेंगे तो अभी आप ये जान लीजिए अजात शत्रु के ना कहीं ना कहीं संरक्षण में हुआ था प्रिसाइडेड ओवर बाई मॉन्क महाकश्यप महाकश्यप ऋषि जो थे वो उनकी अध्यक्षता में हुआ था इसमें दो चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ कि बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं, जिनको की सुत्ता कहा जाता है और जो भी उनके डिसाइपल्स हैं जो उनके अनुयायी हैं जिनको की विनय कहा जाता है उनके बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ये चीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाए ताकि आगे जो भी नई जनरेशन आए उन तक ये बातें पहुंची जाए कोई द्वंद ना हो और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ 383 बीसी में ठीक है और ये कालाशोक जो कालाशोक राजा उनके द रिपैटोज काउंसिल उनकी संरक्षण में हुआ देर वॉज अ डिस्प्यूट इन विनय पीतिका विनय पीतिका क्या है? ये एक टेक्स्ट है, टेस्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द कोड ऑफ डिसिप्लिन ये दो चीजों पे मेन इन दो मुद्दों पे काम किया गया सेकेंड काउंसिल में थर्ड हुआ पाटलिपुत्रा में हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ अशोक की अध्यक्षता में हुआ ढाई सौ पूर्व में 250 फिफ्टी बी में हुआ अशोक का तो इससे पहले जो अजात शत्रु कालाशोक का हमने देखा दीज आर द रूलर्स विच बिलोंग टू द प्रीमॉरियन दे आर द पीरियड, ओके। okay. उसके बाद अशोक, अशोक शासन काल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया अशोका ने अलग अलग जगह भेजा लोगों को ये, ये कॉल्ड इट एज धम्मा कौन चेंज होता जा रहा है धम्मा नॉट धर्मा सी अभिधम्मा तो यहाँ पे अभिधम्मा पीतिका के ऊपर काम किया गया और विनय पीतिका का जो भी डिस्प्यूट था उसके ऊपर भी काम किया गया इन दो चीजों पे मेनली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में काम किया गया और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुलवन में हुआ था 780 uh, 78 एडी मतलब अठहत्तर ईस्वी इश, में हुआ था कनिष्क राजा अब ये पोस्ट मोरिकाल में आ गए हम और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था महायाना बुद्धिज्म महायाना बुद्धिज्म के ऊपर काम किया है महायाना बुद्धिज्म ठीक है तो ये बातें हैं अच्छा अभी हमने जो भी आ, अच्छा ये तो हिंदी में मैंने आपको दे दिया जो भी है बता दिया आपको तीन इंपॉर्टेंट किताबों का जिक्र किया अभी हम क्या क्या विनय पीतिका सुत्त पीतिका और अभिधम्मा पीतिका तो विनय पीतिका में क्या है रिलेटेड इट इज रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक लाइफ मठवासी जीवन के नियमों और विनियमों से संबंधित है उसके बारे में लिखा गया है इसमें सुत्त पीतिका क्या है सुत्त पीतिका में कलेक्शन ऑफ सेरमन्स ऑफ बुद्धा बुद्धा के उपदेशों का संग्रह है हमने देखा बुद्धा के उपदेशों को सुत कहते हैं और जो रूल्स उनके डिसाइपल्स के लिए हैं उनको हम विनय कहते हैं तो विनय पीतिका उसपे लिखा गया पीतिका उसके बाद अभिधम्मा पीतिका हमने देखा अभी अभिधम्मा पीतिका क्या है फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइंग जो भी बुद्ध भगवान के सिद्धांत थे उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है किसमें अभिधम्म पीतिका में अच्छा अभिधम्म पीतिका कौन से काउंसिल में हुआ था अभिधम्म पीतिका अशोक के काल में हुआ था अभिधम्म पीतिका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम बुद्ध के टीचिंग्स की तो कहीं ना कहीं अशोक का फेज बुद्धिज्म में कैन से एज गोल्डन एरा कहीं कहीं सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद ये भी एक स्टोरी है अगर आपको मालूम हो तो ये चीजें हमको याद कर रखनी है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड टू बिहार एंशियंट हिस्ट्री ठीक है बुद्धिज्म अब हम आते हैं जैनिज्म के ऊपर जैनिज्म इज ऑल्सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म था जो कि अगेन सिक्स सेंचुरी बी में ही एग्जिस्टेंस में आया और आ, इसका भी सोर्स अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं बिहार से ही तारे जुड़ी हुई है ठीक है आगे अब हम देखते हैं कैसे अच्छा जैन धर्म जो है बेसिकली उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं ठीक है एक तरह से कह सकते हैं कि वो गुरु ही हैं और सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देवा और जो आखिरी थे वो भगवान महावीर थे ठीक है महावीर का जन्म हुआ 540 बीसी में कहा पे कंदन ग्राम में दैट इज नियर टू वैशाली ठीक है महाजनपदा में हमने वैशाली और इन चीजों का जिक्र किया है तो वहां अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं उनके पिता का नाम है सिद्धार्थ माँ का नाम था त्रिशाला भी हमने पहले डिस्कस किया था त्रिशाला वॉज प्रिंसेस ठीक है राजकुमारी थी ही अटेंडेड कैवलिया एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू ठीक है अब कैवल्य क्या है कैवलिया इज़ भगवान महावीर ने लाइफ के दुख और सुख के ऊपर विजय प्राप्त कर दी मिजरी एंड हैप्पीनेस कंकर्ट और उसके बाद ही उनको जीना या महावीरा के नाम से जाने जाने लगा ठीक है अटेंड कर लिया उन्होंने वो मतलब सांसारिक जो भी दुख तकलीफें खुशी इन इमोशंस के ऊपर ही वोन दो इमोशन कंकर्ट देन ओनली ही बिकेम जीना और टू बी नोन एज महावीरा उसके बाद ही उसी तरह जैसे भगवान बुद्ध ने अपने लेक्चर्स दिए थे इन्होंने भी अपने सरमन दिए फर्स्ट सेरमन विपुल गिरी में दिया जिसको केमराजगीर कहते हैं और उनके जो सबसे पहले अनुयायी थे फर्स्ट डिसिपल ही वॉज जमाली ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर इज मोक्ष और निर्वाणा मोक्ष की प्राप्ति ये सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन जेम्स बताए गए तीन रत्न जिसके द्वारा जिसको अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया तो आप कहीं ना कहीं आपको मोक्ष मिल जाएगा वॉट इज दैट दैट इज राइट फेथ राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण सम्यक आस्था सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान इन तीनों से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अब आगे बढ़ते हैं आगे हमको जैसे बुद्धिज्म में काउंसिल हुए थे चार काउंसिल हुए थे जैन जैनिज्म में दो ही काउंसिल हुए दो परिषद हुए कहाँ पे हुए थे पहला हुआ था पाटलिपुत्र में ये तीसरी शताब्दी सत, शापुरु में हुआ था ठीक है थर्ड सेंचुरी बीसी और दूसरा वाला जो है फिफ्थ सेंचुरी बीसी में हुआ था ठीक है सॉरी फिफ्थ सेंचुरी एडी में और वल्लभी में हुआ था जगह का नाम था वल्लभी क्या नाम था वल्लभी पहले वाले में अगर आप देखेंगे जैन धर्म आज भी दो फैक्ट्स में डिवाइडेड है दो समुदायों और या फिर संप्रदाय में विभाजित है एक है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर देखिए श्वेतांबर और दिगंबर ठीक है दिस वॉज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल एंड इन सेकेंड काउंसिल दे कंपाइल्ड ट्वेल्व अंगाज एंड ट्वेल्व उपअंगाज बारह अंग और बारह उपअंग का संकलन किया गया कंपाइलेशन वॉज डन फॉर ये है जैन धर्म की तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इनको इनको पढ़िए ये वीडियो को देखिए और जो टेक्स्ट बुक्स मैंने बताए थे उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं छूट ठीक है So thank you very much and all the best for your exams.